एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। दोस्तों YouTube से मेरी सेकंड पेमेंट आ चुकी है। सेकंड पेमेंट कितना आया है, YouTube कितने व्यू के कितने पैसा देता है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube हमें ना ही सब्सक्राइबर का पैसा देता है, ना ही व्यूज़ के पैसा देता है। YouTube हमें पैसा देता है ऐड के। वीडियोस में जितना ज़्यादा ऐड आता है उतना ही ज़्यादा इनकम होता है। मेरा टैग चैनल है, टैग चैनल में कम व्यूज़ के भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल अनबॉक्सिंग करता हूँ, गैजेट रिव्यू करता हूँ, इसलिए इसमें महंगा ऐड आता है। अदर कैटेगरी का चैनल जैसे कि एजुकेशन चैनल है, कुकिंग चैनल है, कॉमेडी चैनल है, इनका वीडियो का टाइटल अक्सर हिंदी में होता है और YouTube का जो एल्गोरिथम होता है उनमें सस्ता ऐड लगा देता है, इसलिए इनका जो रेवेन्यू वो कम हो जाता है। और अगर मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा इस महीने में 28.5 के व्यूज़ आया है और इसमें डॉलर बने हैं $13.30। अगर मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जाके रेवेन्यू में अगर जाऊँ तो यहाँ पे देखो कि मेरा जो कि फरवरी महीने में $13.30 बनाए इस महीने में, और जनवरी महीने में डॉलर बना था $14.63, और दिसंबर में बना था $18.82, नवंबर में बना था $22.1, और यहाँ पे बना था अक्टूबर में $20.61, और सितंबर में बना था $29। अगर मैं वीडियोज़ बाई वीडियो आपको दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो कितने व्यूज़ के कितने पैसे मुझे मिल जाता है। तो एक मेरा ये वीडियो है हाउ टू अनलॉक आईफोन, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो एनालिटिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो व्यूज़ मेरा आ रखा है वो आ रखा है 11.4 के लगभग, मतलब 11.5 के, मतलब इसमें जो मेरा रेवेन्यू बना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको देख सकते हो इसमें मेरा बना है $6.39, यानी कि मेरे को 2000 व्यूज़ में $1 मेरा बन जा रहा है। और मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। दोस्तों मेरा सेकंड पेमेंट आया है 5 महीने बाद। फर्स्ट पेमेंट आया था 22 सितंबर 2022 को, $110 बने थे 4 साल बाद, और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8840 रुपये आया था। और मेरा सेकंड पेमेंट आया है, ये मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8.5 हज़ार। सेकेंड पेमेंट आया है मेरा $104, और इसका इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 8,500 रुपये बनते हैं। और मेरा SBI में अकाउंट है, तो यहाँ पे जो फॉरेक्स जो ट्रांजैक्शन जो चार्ज होता है उसका सिर्फ 50 रुपये चार्ज लगता है, 50 रुपये कटता है एक्स्ट्रा। तो दो बार मेरा पेमेंट आया, दोनों बार 50-50 रुपये कटा है। तो SBI काफ़ी अच्छा सर्विस दे रहा है, और जो फॉरेन से जो पैसा आता है, जो विदेश से जो पैसा आता है उसका जो चार्ज बहुत ही कम ले रहा है, कभी 45 रुपये लेता है तो कभी 50 रुपये लेता है। तो मेरे $100 पे 50 रुपये कट जाता है। और ये वीडियो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए था। पहले मेरा जो 4 साल पहले जो मेरा बनता था, मतलब हर महीने में कभी $1 कभी $2, और अब देखो थोड़ा सा सुधार आया है, कभी $20 कभी $30 कभी $22 बन रहा है। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना।